హలో లిసినర్స్, మది మదిలో వాయిస్ యాక్ సిటీ ఎఫ్ఎం అంటే రేడియో సిటీ 91.1. నేను మీ ఆర్జే షర్మిల, మనతో ఉన్నారు ఆశిష్ శర్మ. తన గురించి చెప్పాలంటే ట్రావెలర్ అండ్ ఒక మంచి కాస్ కోసం కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరుగుతూ 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 మొత్తానికి వైజాగ్ చేరుకున్నారు. ఆశిష్ గారికి హాయ్ హలో అని చెప్తూనే తన గురించి అడుగుదాం. ఆప్కే బారే మే బోలియే. జై హింద్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. మై ఢిల్లీ సే హూం ఔర్ మై పైదల్ చల్ రహా హూం 17,000 కిలోమీటర్ పూరా ఇండియా. 22 अगस्त 2017 को मैंने चलना स्टार्ट किया था और ये एक मिशन है इंडिया को चाइल्ड बैगिंग फ्री करने के लिए, ताकि हमारे देश का हर एक बच्चा स्कूल जा सके 2020 तक, जो कलाम सर चाहते थे. आज कलाम सर हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हमारी जनरेशन हर एक बच्चे को 2020 तक स्कूल भेजेगी बिना शिकायतों के. जो भी प्रॉब्लम्स आएगी इट्स ओके, बट एट द एंड 2020 तक हर बच्चा स्कूल में होगा. और कलाम सर का विजन ये हमारी जनरेशन को ही पूरा करना है एनी हाउ. तो विजन को पूरा करने के लिए पैदल चल रहा हूँ और ये 29th स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी है मेरा, और अभी तक 12,089 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ पैदल कल रात तक. और अभी तक मैं जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव, सिलवासा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अभी आंध्र प्रदेश. తన ఏజ్ చూస్తే జనరల్ గా ఏజ్ లో అబ్బాయిలు ఏంటంటే సినిమాలకు వెళ్దాం లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని పటాయిద్దాం అనుకుంటారు, కానీ తను ఇంత మంచి కాస్ కోసం ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరగడమే కాకుండా అండ్ 17,000 కిలోమీటర్స్ ని కంప్లీట్ చేద్దాం అది ఒక మిషన్ తో మన ముందుకు వచ్చారు. సో తన పర్సనల్ గా కూడా అడుగుదాం, ఆప్కే ఇన్స్పిరేషన్ కౌన్ హై అండ్ ఆప్కే బారే మే పర్సనల్లీ భీ బతాయే. ఇన్స్పిరేషన్ మే కలామ్ సర్ కో, భగత్ సింగ్ కో ఔర్ మే స్వామి వివేకానంద్ కో బహుత్ ఫాలో కర్తా హూం. ఇన్ లోగో కీ ఏక్ ఐడియాలజీ జో భీ హై ఇన్కో బహుత్ మాన్ కే చల్తా హూం ఔర్ ఇన్ మేరే కో లగ్తా హై కీ అగర్ ఇన్ లోగో కా హమ్ విజన్ పూరా కర్ దేతే హై దేశ్ కే అందర్ తో దేశ్ ఏక్ హద్ తక్ బహుత్ ఇంప్రూవ్ హో సక్తా హై. और दूसरा, हम लोग मुद्दे खत्म करने की लड़ाई शुरू करें, क्योंकि अभी इंडिया जिस दौर से गुजर रहा है हमें एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन की सख्त जरूरत है, वरना इंडिया पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है. और हमें सबको हेल्प करनी पड़ेगी एक दूसरे की, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी ताकत बन जाएगी, उसकी कमजोरी मत बनिए, उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए. और बिंग अ यूथ मैं यही कहूंगा कि यार हम लोग थोड़ा मुद्दों को खत्म करने की उनको भी समझने की कोशिश कीजिए कि देश कहाँ जा रहा है, अपने स्टेट के अंदर क्या सब दिक्कतें चल रही है. और पर्सनल लेवल पे थोड़ा आर्टिस्टिक रहा हूँ मैं, मैंने 141 गाने लिखे हुए हैं, एक नोवेल भी लिखा हुआ है और एक नोवेल पे और काम चल रहा है, थोड़ा करता रहता हूँ साइड में जब भी टाइम निकल पाता है. okay. और एक गिनीज बुक के लिए अप्लाई किया हुआ है. okay. जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक एग्जीबिशन को लेके था उसमें, तो उसमें 31 स्केचेस है, 31 पोएम्स इन 31 डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. और इसके अलावा एक बात चल रही डॉक्यूमेंट्री की प्रकाश जादी से. okay. तो सारे जहाँ से अच्छा एक शो आता है तो उस पर हो जाएगा. okay. और पर्सनल लेवल थोड़ी बहुत, अब तो खैर मैं थोड़ा डिफरेंट हो गया हूँ, एक गर्लफ्रेंड रही है, इट्स ओके, कोई ऐसी वो बात नहीं है. okay. सबका फेज आता है, बट मैं हमेशा यूथ को ये कहता हूँ और अपनी एज के लोगों की, यार अगर कोई इंस्पायर करता है बी वी डेट पर्सन, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते, रिलेशनशिप शुड बी अ कनेक्शन, बट हम कनेक्टेड नहीं हो पाते. अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो, कनेक्टेड नहीं है, वो फिर आपको कभी इंस्पायर करेगा नहीं. तो कनेक्टेड होना बेहद जरूरी है बिना रिलेशनशिप. आई डोंट से कि वो चीज गलत होती है, बट कम से कम वो आपको इंस्पायर करे एक बेहतर इंसान बने. अगर इंसान नहीं बना पा रही है बेहतर, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप गलत है, यू शुड अवॉइड इट. ओके, मरी यूथ अंदर की मेरे आप यूथ सब लोग को एक मैसेज दे दो. एक ये रिक्वेस्ट है आंध्र प्रदेश से मेरी स्पेशली, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश से नहीं हूं, अगर यहाँ के भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का हर एक बच्चा स्कूल जाए, तो आपकी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा बनती है कि आप लोग अपनी तरफ से इस मूवमेंट को आगे लेके जाए. अब जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप 2 किलोमीटर पैदल चलें, उनको मैसेज दें, आज से कोई किसी बच्चे को पैसा नहीं देगा, भीख नहीं देगा. हम भीख देते हैं तो बच्चा स्कूल ले जाते हैं. दूसरा, सोशल मीडिया का ढंग से यूज करना सीखे, मेक योर स्मॉल वीडियो ऑन द इंटरनेट, उस वीडियो को अपलोड करें, बट मेक अ रिक्वेस्ट टू पीपल दैट वी शुड नॉट गिव एनी मनी टू एनी चाइल्ड बैगर. इसके अलावा मेरा नंबर है 9903100076 और मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आईडी है AJNABISMM अजनबीजम, ये मेरा पेन नेम भी है. तो जितने लोग हो सकता है बताएं, शेयर करें, बट कोशिश ये करिए 2020 तक जो कलाम सर चाहते थे, तो यार हर बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए एनी हाउ. FM Ante, Radio City 91.1.